भाग्यश्री को ये बात पता चलती है कि उसका भी पता हो चुका है, तो वो बेहद परेशान हो जाती है और रोते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। अरे देखो तो कितनी अकड़ है इसमें, राम राम। अरे नहीं दीदी, छोटी बच्ची है, बेचारी को क्या पता, समझ जाएगी धीरे धीरे, आप चिंता मत करिए, अभी बच्ची है, समझ जाएगी, उसे माफ कर दीजिए, मैं समझाती हूँ उसे। कमलेश और भानुमति को उस दिन भाग्यश्री की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है और इसीलिए वो दोनों हाथ जोड़कर नरसिंह देव और उनकी पत्नी से माफी मांगते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं। नरसिंह देव और उनकी पत्नी का दिल काफी नरम था, शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नरसिंह देव और उनका परिवार वहाँ से चला जाता है और माया भानुमति के घर आती है। और जब वो घर आती है तो भानुमति उसे बताती है नरसिंह देव जैसे अमीर घराने से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भानुमति, हमारी दोनों बेटियों के तो भाग्य ही खुल गए, सच में भगवान मेहरबान है बच्चियों पर। अब भाग्यश्री के घर में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री की शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। भाग्यश्री की माँ उसका स्कूल छुड़वा देती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो अपने माता पिता की बात मानने के लिए मजबूर थी क्योंकि उसके गांव में बाल विवाह जैसी कुप्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कमलेश का परिवार इस प्रथा को ना दोहराए। तो शादी का दिन आ ही जाता है, सभी लोग बड़े खुश थे और बारात भी आ चुकी थी। थोड़ी ही देर में पूजा भी शुरू हो जाती है और भाग्यश्री की कन्यादान की रस्म भी पूरी हो जाती है। दोनों दूल्हा और दुल्हन मंडप पर बैठे हुए थे। जितेंद्र तो उस समय मंडप पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था क्योंकि अभी भी उसमें वही बचपना ही था और वो भाग्यश्री को पसंद भी नहीं करता था। वो बार बार भाग्यश्री को देखकर मुंह चढ़ाए जा रहा था। पहले तो भाग्यश्री कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बाद में जब उसे गुस्सा आता है तो वो कहती है, एकदम बंदर जैसे लग रहे हो। और उसकी इस बात पर सभी बाराती और घराती हंसने लगते हैं। पता नहीं कहां से अचानक से एक काले रंग का बैल शादी के मंडप वाली जगह में आ जाता है और हर जगह अफरा तफरी मचा देता है। बेचारी भानुमति तो ये सब देखकर रोने लगती है। सभी लोग अपने रास्ते से हट जाओ, नहीं तो ये बैल मार देगा सबको। पता नहीं कहां से ये बेलगाम बैल यहां पर आ गया है। सभी लोग जल्दी से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं और दूल्हा और दुल्हन को भी सुरक्षित दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। जल्दी से उस आदमी को बुला लिया जाता है और वो वहां पर आकर अपने बैल को पकड़कर वापस ले जाता है। भाग्यवश किसी को भी चोट नहीं आई थी, लेकिन आधे लोग तो शादी से भाग चुके थे, फिर भी शादी को ऐसे ही रोक नहीं सकते थे। माला देवी जल्दी से शादी की पूजा फिर से शुरू करवाने के लिए बोलती है। वैसे भी अब थोड़े ही रस्मों रिवाज बाकी रह गए थे और शादी संपन्न होने वाली थी, लेकिन पंडित जी वहाँ से भागे नहीं थे। उस वक्त वो किसी दूसरे कमरे में जाकर छुप गए थे। तो शादी बड़े अच्छे से संपन्न हो जाती है और सब कुछ सही रहता है। उस समय कमलेश और भानुमति काफी भावुक हो जाते हैं। चारी भानुमति रोने लगती है। चिंता मत करो भानुमति, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी इतने अच्छे घर में ब्याह होकर जा रही है। हाँ थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखो शादी हो गई है। और अब देखना ये था कि शादी के बाद भाग्यश्री का जीवन कैसा होने वाला है। तो भाग्यश्री विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में दो चार दिन तो ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद उसके जीवन में परेशानियों का आगमन शुरू हो जाता है। अगर उस घर में भाग्यश्री को कोई परेशान करने वाला था तो वो थी सिर्फ मंजुलिका और उसकी बेटी प्रियतारा। दरअसल मंजुलिका ना ही माला देवी के बेटे जितेंद्र को पसंद करती थी और ना ही भाग्यश्री को। तो एक दिन जब भाग्यश्री अपने कमरे में अकेली थी तो मंजुलिका उसके कमरे में उसके लिए नए कपड़े लेकर जाती है। बेटा ये लो, ये तुम्हारी सासू माँ ने भिजवाया है, वो चाहती हैं कि ये कपड़े तुम कल पहनो क्योंकि कल तुम्हारे ससुर के चचेरे भाई प्रेमनाथ सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ आने वाले हैं। और ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी बड़ी सासू माँ, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन हमारे खानदान में एक रीति है और रीति ये है कि जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हम उसे एक शब्द बोलकर उसका आदर सम्मान करते हैं। दरअसल मंजुलिका भाग्यश्री की बेइज्जती करवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे एक अपशब्द सिखाती है और वो ये बोलती है कि ये एक सम्मानित शब्द है। बेचारी भाग्यश्री को क्या पता था कि मंजुलिका के दिमाग में क्या चल रहा है। रात बीतती है और सूरज उगता है और घर में मेहमान भी आ जाते हैं। प्रेमनाथ सिंह अपने दो बच्चे और अपनी बड़ी बहन कल्पना और उसके पति अजय के साथ आया था। प्रेमनाथ की लड़की बचपन से ही बोल नहीं पाती थी, इसीलिए उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी।
तो उनके आने के बाद माला देवी और नरसिंह देव बड़े प्रेम और आदर सत्कार के साथ सभी का स्वागत करते हैं। नरसिंह देव और माया देवी अपने घर में आए हुए मेहमानों से बातचीत करने लग जाते हैं। अरे भाभी जी, हमें माफ करना, हम शादी में नहीं आ पाए। दरअसल हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, शादी में आना इतना जरूरी नहीं जितना कि अपनी माँ का ख्याल रखना है, समझे ना आप। और थोड़ी देर बाद प्रेमनाथ माला देवी को उनकी बहू को दिखाने के लिए कहता है। तो जैसे ही भाग्यश्री हॉल रूम में मेहमानों से मिलने के लिए आती है, वैसे ही वो शब्द को सबके सामने दोहराती है। भाग्यश्री को तो ये भी नहीं पता था कि वो शब्द कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि एक प्रकार की गाली है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर माला देवी एकदम चौंक जाती है और उसे तुरंत दूसरे कमरे के अंदर ले जाती है। अब देखना ये है कि आखिर मंजुलिका ने भाग्यश्री को क्या सिखाया था और क्या होगा मेहमानों का रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।